हाय गाइस, वेलकम टू छत्तीसगढ़ गॉड फार्म। देखिए, दिसंबर का महीना शुरू हो गया है। आज दिसंबर के 8 तारीख है। तो बकरी के बच्चों को आप विशेष देखभाल करें, क्योंकि इनमें अधिकतर मृत्यु दर निमोनिया के कारण ही होता है। ये ठंड पाया, आपको लगेगा अच्छा है बच्चा, निमोनिया की वजह से ही इनमें मृत्यु दर होता है। और दूसरा, हमारे बकरी भेड़ के बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इनके आँख में ना कीचड़ और चीपर निकल रहे थे। देखिए, हम लोग इनको ये 200 वाट का बल्ब जला कर रखे हैं, और इनको नीचे हमारे छत्तीसगढ़ में पैरा बोलते हैं, इसको पुआल बिछा कर ही पूरे बच्चों को। और विशेष एक आप ऐसे करिए, आपके पास बकरी के बच्चे ज़्यादा हैं तो इनको ऐसे रस्सी सिस्टम बना लीजिए, ये दौरी बोलते हैं हमारे इधर। ये देखिए, हम लोग इनको ऐसे करके पूरा ये बांध कर रखे हैं। ये हमारे भेड़ के बच्चे हैं, लमदुम भेड़ जो है उसके बच्चे हैं ये देखिए, दूरी दूरी एक दूसरे को ये ठंड में दबा के भी इनमें मृत्यु दर देखा गया है गाइस। और दूसरा, आपको एक मैं बहुत कारगर दवाई बता रहा हूँ, इन लोग के आँख में यदि जू कीचड़ है तो ये देखिए गाइस, ये गाइस सिल्पा डी करके है, सिप्लॉक्स डी, सॉरी CLPLOX D करके है। ये दिन में 3 टाइम आप डालिए इनके आंखों पर, जो भी कीचड़ की प्रॉब्लम है पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, ये बच्चों को देखिए गाइस, ये छत्तीसगढ़ की देसी बकरी में हमारा ब्रीडर है। ये देखिए गाइस, ये भेड़ लोग का हमारे, ये इस पुआल की आप मोटाई देखिए गाइस, ये नीचे आपको जमीन दिखेगा, ये 4 से 6 इंच मोटा है, उस पर ही हमने इनको बच्चों को बैठा रखा है। देखिए गाइस, ये 15 से 20 नंग बच्चे हैं, ये लंबे दूरी पे बैठे हुए, और बाकी बच्चों को हम अलग से रखें गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।